Hello friends, from this video we will begin to learn about prepositions. Preposition is a very important part of spoken English. How? That you will come to know as we progress. So let us begin. Prepositions. Preposition is a word or group of words used specially before a noun or pronoun to show place, position, time, etc. Preposition एक word है या group of word है जिसको noun या pronoun के पहले लगाया जाता है जो उसकी जगह, उसकी position और उसके समय के बारे में हमें सूचित करता है. In simple words, it indicates the position, यानी कि वो हमें पोजीशन बताता है. उदाहरण के तौर पे इन, ऑन, बिलो, ओवर, एट, एटसेट्रा. प्रेपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश. जैसे कि मैंने कहा कि स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रेपोजिशन बहुत जरूरी है. क्यों है, आइए देखते हैं. How wrong prepositions can change meaning of sentence? एक wrong preposition sentence का meaning बदल देता है. Book me a ticket for Delhi. इसका मतलब है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली के लिए एक ticket book करो. Book me a ticket from Delhi. अगर मैंने for की जगह from लगा दिया तो यानी कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं. There is nothing on your head. आपके सर के ऊपर कुछ नहीं है. There is nothing in your head. इसका मतलब होता है कि आपके भेजे में दिमाग नहीं है. तो यहाँ पे एक wrong preposition for के बदले from, on के बदले in, पूरे sentence का meaning change कर देते हैं. इसलिए preposition को समझना और सीखना बहुत जरूरी है. अब हम देखेंगे किस किस टाइप के प्रेपोजिशन होते हैं. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, आफ्टर, अराउंड, एट, बिफोर, सिंस, बिटवीन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, ऑन, अंटिल, इन, फॉर, विदिन. ये प्रेपोजिशन का समय बताते हैं, समय वाले प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह वाले प्रेपोजिशन. अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अमोंग, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, डाउन, इन, इनटू, नियर, ऑफ, ऑन, अपोजिट, आउट, ओवर, पास, थ्रू, टू, towards, under, underneath. ये जगह वाले preposition है. Preposition of direction and moment, दिशा और हलचल. At, for, on, to, in, into, onto, between. Preposition of manner, by, on, in, like, with. Other types of prepositions, दूसरे तरीके के prepositions, by, with, of, for, like, as. तो ये थे अलग अलग टाइप के prepositions. अब हम एक एक करके preposition सीखेंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे to. ये place और दिशा बताता है. Who is going to market? कौन मार्केट जा रहा है, तो यहां पे प्लेस बता रहा है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, तो यहां पे दिशा बता रहा है. ही विल बी सेंड टू जेल, उसे जेल भेजा जाएगा, तो यहां पे जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है. फिर टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं.
He works from 9 AM to 7 PM. वो सुबह 9 से शाम को 7 तक काम करता है. I have to reach in time. मुझे समय पे पहुंचना है. It is 10 minutes to 6. 6 बजने को 10 मिनट है. तो यहां पे हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. इन कॉन्टेक्स्ट, उस संदर्भ में, दे डांस टू द म्यूजिक, वे म्यूजिक पे नाचे. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे ज्ञान के हिसाब से सबसे बेहतरीन. यील्ड टू डिमांड, डिमांड पे झुकना. टू मी, टू यू, टू हिम, टू बैंक, ये दिशा है या उस संदर्भ में बताते हैं. मुंबई टू पुणे, वेलकम टू मुंबई, मुंबई में आपका स्वागत है. गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल, कहीं पे भी जाना हो तो टू लगाते हैं हम. बट टू इज नॉट यूज्ड विथ गो इफ द प्लेस इज होम, लेकिन होम के आगे गो टू होम नहीं बोलते हैं, गो होम बोलते हैं. अब हम सीखेंगे अबाउट, रिलेटिंग टू, ऑन द पॉइंट ऑफ, उस संदर्भ में, उस परिस्थिति में, या फिर लगभग. I have no knowledge about it. मुझे उस संदर्भ में कोई भी ज्ञान नहीं है. They are about to go. वे जाने ही वाले हैं. He has written a book about China. उसने चाइना पर एक किताब लिखी है. There was a mystery about him. उसके बारे में एक रहस्य था. He was a man about my height. वो आदमी लगभग मेरी ही हाइट का था, मेरी ही ऊंचाई का था. We lost all the information about him. हमने उसके बारे में सारी सूचना गंवा दी. Look about and see if you can find him. देखो यहां वहां और शायद आपको वो मिल जाए. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी लर्न द प्रेपोजिशंस टू एंड अबाउट, हाउ टू यूज देम, व्हेन टू यूज देम एंड व्हेन नॉट टू यूज देम. इन द फॉलोइंग वीडियोस वी विल लर्न मोर अबाउट प्रेपोजिशंस. Friends, if you like my video, subscribe for it, share it with your friends, and don't forget to like it and comment on it. Wait for every Saturday for my new videos. For more details, visit my YouTube channel, Ikta Skills, and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.